फ्रेंड्स, सर्दियां आ चुकी है और हम रम दीवाने अभी रम के पीछे दौड़ रहे हैं। अक्सर हम लोग रम पीते हैं बट हम लोग जानते नहीं है कि रम के साथ क्या खाना चाहिए, कौन सी वो स्नैक्स है जिनको आपको चूज करना चाहिए। तो अक्सर हम लोग गलत स्नैक्स को चूज करते हैं और उसके बाद एसिडिटी लेकर चलते हैं, है ना। फ्रेंड्स, जब भी हम लोग रम पीते हैं तो उसके साथ आपको जो भी फूड चूज करना है या पेयर करना है वो रम को कंप्लीमेंट करे उस तरीके से। समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि इफ़ योर रम इज लिटिल इंटेंस, देन आपका जो फूड है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर के साथ होने चाहिए, है ना। साथ साथ अगर देखेंगे रम में ना स्वीट कंपाउंड रहते हैं जो काफ़ी हद तक कोई स्पाइसी फूड अगर आपने चूज कर लिया तो वो बिटर कंप्लीमेंट करते हैं रम के साथ, है ना, स्वीट कैरेक्टर की चलती। तो आइए आज इस वीडियो से आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कुछ बेहतरीन चखना जो आपको हमेशा रम के साथ लेनी चाहिए। बाय द वे, मैं आपको बता दूं, जितने भी चखना या फूड का नाम मैं आपको बताऊंगा ये हेल्दी नहीं है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं ना, हेल्दी ऑप्शंस को ढूंढते हैं, तो ये हेल्दी नहीं मैं नहीं बोलूंगा, बल्कि मैं बोलूंगा उल्टा अनहेल्दी है। बट हाँ, कंट्रोल ड्रिंकिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं वो स्नैक्स कौन सा है, कौन सी वो बेहतरीन फूड है जिसके साथ आपको रम पीनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप बारटेंडिंग सीखना चाहते हैं? अगर हाँ है तो आ जाइए कोलकाता एंड ज्वाइन माई स्कूल द स्पिरिट विद्यालय। डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वेलकम बैक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जब भी हम लोग रम को चूज करते हैं आइदर वो डार्क रम होते हैं या वाइट रम, जैसे कि ओल्ड मॉन्क या बकार्ड। अब कोई भी रम पियो, किसी भी तरीके से पियो, अगर आप हमेशा सैलेड्स को चूज करते हैं तो वो काफ़ी हद तक आपको बेटर कंप्लीमेंट करते हैं। जहाँ और सैलेड काफ़ी वैरायटी टाइप्स ऑफ होते हैं, उनमें से आप चूज कर सकते हैं सीजर सैलेड, स्प्राउट सैलेड, ग्रीन सैलेड, वेजिटेबल स्टिक विद डीप, जैसे कि होता है ना छोटे छोटे गाजर और कुकुम्बर को काट के दिया जाता है, पास पास चना सैलेड एंड ओनली कुकुम्बर भी चल सकता है। मतलब सिंपली कुकुम्बर को काट के हल्का नमक के साथ आप रम पी सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। और अगर नॉन वेज सैलेड का बात करूँ तो चिकन सैलेड, एग सैलेड, फिश सैलेड, ऐसे बहुत सारे सैलेड्स का ऑप्शन है, आप बिल्कुल पी सकते हैं इस सर्दियों में रम के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ आइडियाज आपके साथ शेयर करते हैं। और कोई ऑप्शंस का अगर बात करूं तो मैं बोलूंगा कि हल्का स्टमक फिलिंग फूड आप ले सकते हैं, जैसे कि चिली चीज टोस्ट, बहुत ही बढ़िया एक आइटम है, मसाला पापड़, जी हाँ बहुत ही बेहतरीन, रोस्टेड ग्रीन पीस आप उसको भी ले सकते हैं। यह हल्का आपका स्टमक को फिल भी करेगा, साथ साथ रम पीने में मजा आ जाएगा। जैसे कि और है टोस्ट सैलेड, स्टीयर फ्राई, ऐसे बहुत कुछ। और अगर नॉन वेज का बात करूं तो एक बुर्जी, फिश फ्राई, चिकन साते, क्रिस्पी कॉन्जी मटन्स एंड मेनी मो, बहुत सारा है। एंड थर्ड ऑप्शन में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ स्टार्टर्स जो बहुत फेमस स्टार्टर्स है, इनके साथ ओल्ड मॉन्क बहुत मस्त जाता है, जैसे कि पनीर टिक्का, तंदूरी आलू, ये सब मैं वेज का नाम बता रहा हूँ, साथ साथ क्रिस्पी चिली, बेबी कॉर्न और तंदूरी कोई वेज आइटम जैसे कि दही के कबाब भी आप चूज कर सकते हैं, साथ साथ चिली पनीर तो है ही है। और अगर नॉन वेज का बात करूं तो चिकन टिक्का, फिश टिक्का, तंदूरी चिकन, ग्रिल्ड फिश, रोस्टेड चिकन, चिली चिकन, बहुत सारा आइटम है। और पास पास अगर आप चाहो तो कुछ मटन आइटम भी, मतलब स्टार्टर मटन आइटम भी चूज कर सकते हो, जैसे कि क्रिस्पी कॉन्जी, लैम्ब, और पास पास आप मटन बोटी कबाब भी चूज कर सकते हो जब भी आप रम पी रहे हो। तो देखिए, जो भी मैंने फूड का नाम बताए वो सारे के सारे फूड आप कोई भी रम से, मतलब डार्क रम या वाइट रम, कोई भी रम पियो आप उनके साथ ले सकते हो। बट मेरा कहना है कि अगर आप डार्क रम जैसे कि ओल्ड मॉन्क या ऐसे कुछ रम पीते हो
तो ना ये सारे के सारे फूड अल्टीमेट हो जाते हैं व्हाइट रम से, बहुत बेहतर रिजल्ट देगा डार्क रम। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर सच में अच्छा लगता है तो मतलब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता है बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।